जावा पैकेज मीन्स एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे इंटरफेसेस और सब पैकेजेस, ठीक है, तीनों का कलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि एक डायरेक्टरी होता है, एक फोल्डर होता है, ठीक है, फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी फाइल्स रखते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग के पास एक पैकेज होता है जिसको हम लोग फोल्डर बोल सकते हैं या फिर डायरेक्टरी बोल सकते हैं। उसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्लासेस, इंटरफेसेस और सब पैकेजेस, ठीक है, एक पैकेज के अंदर हम लोग दूसरा पैकेज भी बना सकते हैं। ठीक है, जनरली इसमें हम लोग क्लासेस का कलेक्शन रखते हैं या फिर इंटरफेसेस का कलेक्शन रखते हैं। क्लासेस मीन जो भी जावा फाइल्स हमारी है वो हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, इंटरफेसेस हम लोग बना सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें हम लोग कलेक्शन करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पैकेज का यूज़ करते हैं। तो पैकेज के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि जावा पैकेज इज यूज टू कैटेगराइज द क्लास एंड एडवांटेजेस सो दैट दे कैन बी इजीली मेंटेन। ठीक है, तो जावा पैकेज जो है उससे हम लोग बहुत इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी अपनी क्लासेस को। जैसे कि हम लोग कोई भी एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, उसमें मान के चलो एक ऐसा विंडो है या फिर पेज है जिसमें हम लोग लॉगिन से रिलेटेड वहाँ पे डिटेल्स हम लोग रख रहे हैं या फिर लॉगिन से रिलेटेड कुछ हम लोग कोड वहाँ पे रख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लॉगिन नाम का पैकेज बनाएंगे, उस पैकेज के अंदर उस लॉगिन से रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी वो उसके अंदर डाल देंगे, उसी के अंदर हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक रजिस्ट्रेशन नाम का बनाएं, रजिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगी वो रजिस्ट्रेशन नाम के पैकेज के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग पैकेज बना के। ठीक है, जावा पैकेज प्रोवाइड्स एक्सेस प्रोटेक्शन। जावा पैकेज जो होता है वो एक्सेस प्रोटेक्शन हम लोग को देता है। हम लोग एक जावा पैकेज अगर बना लिए, उसके अंदर कुछ क्लासेस रख दिए, वो क्लासेस जो है दूसरे पैकेज के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, इनहेरिट हम लोग नहीं कर सकते हैं। मीन्स एक पैकेज के अंदर की क्लासेस दूसरे पैकेज के अंदर में एक्सेसिबल नहीं होती है। थर्ड होता है जावा पैकेज रिमूव्स नेमिंग कोलिजन। अगर हमने एक पैकेज बनाया है उसमें हेलो डॉट जावा नाम का एक फाइल बनाया है, तो वो हेलो डॉट जावा जो है वो दूसरे पैकेजेस में भी सेम नेम से बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस प्रोटेक्शन होता है। मींस एक क्लासेस के जो भी क्लासेस होते हैं, मतलब एक पैकेज के जो भी क्लासेस होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होती कोई दूसरे पैकेज में। सेम वैसे ही यहाँ पे एक्सेस प्रोटेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेमिंग कोलिजन को दूर कर सकते हैं। मीन्स हम लोग सेम नेम की फाइल्स हम लोग दूसरे दूसरे पैकेजेस में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे नेमिंग कोलिजन नहीं होने वाला है। देन उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ कुछ पैकेजेस हम लोग को पहले से मिल जाते हैं। जैसे कि एक जावा मेन पैकेज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जावा पैकेज बोलते हैं। इस जावा पैकेज के अंदर तीन पैकेज और हैं, लैंग, यूटिल, AWT। ठीक है, ये सब पैकेज है, ये मेन पैकेज है, इसके अंदर तीन पैकेज और बने हुए हैं, लैंग, यूटिल, AWT। अब इस लैंग के अंदर में सिस्टम डॉट क्लास, स्ट्रिंग डॉट क्लास, यूटिल के अंदर एरे लिस्ट डॉट क्लास, मैप डॉट क्लास, AWT में बटन डॉट क्लास, इस प्रकार की क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोग लिखते हैं वो लैंग पैकेज के अंदर में आता है, जो कि बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है अपने प्रोग्राम में। जो भी हम लोग जावा प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो इंपोर्टेड होता है, मतलब इंपोर्ट किया होता है, हम लोग को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो जावा मेन पैकेज है उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस है जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, एक SRC नाम का एक जिप फाइल होता है, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे पैकेजेस देखते हैं, वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्टेड होती है, और उसके अंदर अलग अलग टाइप की क्लास फाइल्स होती हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पैकेज। तो पैकेज कोई एक फोल्डर को हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी,
किसी भी पैकेज को हम लोग फोल्डर या फिर डायरेक्टरी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी फोल्डर को पैकेज नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जावा के अंदर कोई दूसरा लैंग पैकेज बना हुआ है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लासेस है, ठीक है। उसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। जनरली जो भी पैकेज होता है वो कंपाइल करने के बाद बनता है, वो जनरली एक नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो वो एक फोल्डर ही होता है और उसके अंदर क्लास फाइल्स होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम लोग एक पैकेज क्रिएट करते हैं। द पैकेज कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ए पैकेज इन जावा। हम लोग पैकेज क्रिएट करने के लिए एक पैकेज कीवर्ड का यूज करते हैं। जब भी हम लोग कोई भी एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम बनाते हैं तो वो हम लोग कोई भी एक फोल्डर के अंदर सेव कर लेते हैं। अगर पर्टिकुलर हम लोग को किसी पैकेज के अंदर स्टोर करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट लाइन होना चाहिए पैकेज, और उसके बाद जो भी हम लोग यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया पैकेज माई पैक। तो ये क्या करेगा, कंपाइल करते समय अपना एक माई पैक नाम का पैकेज क्रिएट कर देगा। देन उसके बाद यहाँ पे लिए पब्लिक क्लास सिंपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करे वेलकम टू पैकेज। अब ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया छोटा सा, ठीक है। जैसे ही ये प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे, जो जावा फाइल है सिंपल डॉट जावा, ठीक है, सिंपल डॉट जावा जो है इस माई पैक के अंदर में आ जाएगा। मीन्स सेव कहाँ पे होगा, माई पैक के अंदर में, ठीक है। जो हमारा मेन डायरेक्टरी होगा जिसमें भी हम लोग जावा फाइल्स को सेव करते हैं, उसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा माई पैक, और उसके अंदर जाके सिंपल डॉट जावा सेव हो जाएगा। यहाँ पे कैसे कंपाइल करते हैं वो हम लोग देखते हैं। हाउ टू कंपाइल जावा पैकेज, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एनी आईडीई यू नीड टू फॉलो द सिंटेक्स गिवन बिलो। अगर हम लोग कोई भी आईडीई यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे नेटबीन्स, एक्लिप्स, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे आईडीई अवेलेबल है जावा के लिए, अगर हम लोग कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल नोटपैड से प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम लोग को कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इस प्रकार का कोड हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे जावा सी हाइफन डी डायरेक्टरी जावा फाइल नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से जावा सी हाइफन डी डॉट सिंपल डॉट जावा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हाइफन डी लगा हुआ है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, दैट हाइफन डी स्विच स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन वेयर टू पुट द जनरेटेड क्लास फाइल, ठीक है। हाइफन डी क्या करता है, स्पेसिफाई करता है उस डेस्टिनेशन को जहाँ पे जो भी जावा फाइल से जनरेटेड क्लास फाइल होगी उसको कहाँ पे रखना है। यू कैन यूज एनी डायरेक्टरी नेम लाइक स्लैश होम इन केस ऑफ लिनक्स, या फिर डी स्लैश एबीसी इन केस ऑफ विंडोज। इफ यू वॉन्ट टू कीप द पैकेज विद इन द सेम डायरेक्टरी यू कैन यूज द डॉट, ठीक है। अगर हम लोग सेम डायरेक्टरी में ही हम लोग क्लास फाइल को रखना चाहते हैं तो हम लोग डॉट लगाएंगे, अदरवाइज इस टाइप का पाथ हम लोग मैंशन करेंगे कि किस पाथ में हम लोग क्लास फाइल को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। तो जैसे ही हम लोग कंपाइल करेंगे वो क्या करेगा, माई पैक एक पैकेज बनाएगा, उस पैकेज के अंदर सिंपल डॉट जावा नाम का फाइल जो है वो सेव हो जाएगा और वहीं पे क्लास फाइल बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है डॉट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ पैकेज, ठीक है, पैकेज लिखा माई पैक, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ सबसे पहले इस फाइल को, और मैं यहाँ पे ई में जाता हूँ और यहाँ एक फोल्डर बनाता हूँ जावा बी सी ए थ्री, और यहाँ पे मैं देता हूँ सिंपल डॉट जावा, ओके। मैंने यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर लिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
public class simple package ओके देन उसके बाद मैं लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक void main then उसके बाद यहाँ पे string arguments फिर यहाँ पे देता हूँ system dot out dot print ln आप लिखता हूँ वेलकम टू माय पैक ओके मैंने इसको सेव किया अब मैं इसको रन करता हूँ रन करने के लिए मैं यूज करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी ठीक है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको कंपाइल करते हैं कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले उस डायरेक्टरी में चल जाएंगे cd backslash उसके बाद e फिर उसके बाद cd java bca3 फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा java c-d फिर उसके बाद dot सिंपल पैकेज डॉट जावा और इसके बाद एंटर कर दूंगा यहाँ पे पी स्मॉल हो गया एक सेकंड हम लोग ने यहाँ पे लिखा जावा सी हाइफन डी पैकेज क्रिएट करने के लिए हम लोग हाइफन डी लिखेंगे और सेम हम लोग को अगर फोल्डर पे बनाना है तो हम लोग लिखेंगे डॉट और स्पेस देंगे फिर उसके बाद क्लास का नेम देंगे या फिर उस फाइल का नेम देंगे सिंपल पैकेज डॉट जावा इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हम लोग का पैकेज जो है कंपाइल हो जाएगा देन उसके बाद अगर रन करना है तो रन कैसे करेंगे इसको ठीक है मैं इसको फोल्डर ओपन करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जावा BCA3 से हम लोग ने यहाँ पे फोल्डर बनाया था उसके अंदर माई पैक नाम का हम लोग का एक पैकेज क्रिएट हो गया फाइल हम लोग यहाँ पे है ठीक है क्लास फाइल जनरली इसी के साथ में बनती थी अगर हम लोग नॉर्मली कंपाइल करें अब हम लोग पैकेज के थ्रू कंपाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को माई पैक के अंदर क्लास फाइल मिलेगी तो क्लास फाइल्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैकेज तो यहाँ पे माई पैक नाम का यहाँ पे पैकेज बन चुका है अब हम लोग को अगर रन करना है तो यहाँ क्लास फाइल को हम लोग रन करते हैं तो माई पैक डॉट करके हम लोग को रन करना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ एक बार रन करके भी देख लेते हैं रन यहाँ पे कैसे करेंगे यहाँ लिखेंगे जावा देन उसके बाद माई पैक डॉट सिंपल पैकेज इस प्रकार से हम लोग इसको रन करेंगे तो जब भी हम लोग नोटपैड को यूज करके अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे अगर उसमें पैकेज क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जावा c-d डॉट सिंपल डॉट पैकेज ठीक है जो भी हमारा फाइल नेम है वो हम लोग लिखेंगे रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जावा माई पैक डॉट सिंपल पैकेज जो भी हम लोग का क्लास फाइल है क्लास फाइल
इस पाथ में माई पैक के अंदर में है, माई पैक डॉट सिंपल पैकेज। माई पैक के अंदर क्या है, सिंपल पैकेज नाम का क्लास फाइल है और हम लोग इसी को रन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ने एक पैकेज क्रिएट किया, उस पैकेज को रन किया।